कि बादलों ने अगवा कर लिया है सूरज को, कि बादलों ने अगवा कर लिया है सूरज को और फिरौती में आपकी मुस्कान मांग रहे हैं। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में दांत निकलवाना सबको जरूरी होता है क्या? कौन से केसेस में दांत निकलवाना जरूरी होता है? कब निकलवाते हैं, कौन से दांत निकलवाते हैं और क्यों निकलवाते हैं? चलिए आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर हर्षल शर्मा और आज की वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स, तो प्लीज करवा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखें, हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, इम्पॉर्टेंट होता है हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस, और हमारा कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है हमारी मुस्कान पर, हमारी स्माइल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर किसी की स्माइल सही नहीं है, अगर उसके दांत आड़े टेढ़े हैं, बाहर की तरफ है, तो उसका आत्मविश्वास डेफिनेटली थोड़ा सा कम होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से। जिन लोगों की स्माइल अच्छी होती है, दांत अच्छे होते हैं, शेप अच्छे होते हैं, आकार अच्छा होता है, जिनकी मुस्कान अच्छी होती है, उन लोगों में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ता है, और ये एकदम सही बात है। जिन लोगों की मुस्कान अच्छी नहीं होती है उनमें कॉन्फिडेंस कम दिखाई देता है। या आप उन लोगों से पूछ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनके दांत बाहर होते हैं, आड़े टेढ़े होते हैं, उनकी बात करने की एक स्टाइल होती है जिसमें हल्की सी झिझक होती है, वो अच्छे से बात उतनी कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हैं। अच्छी मुस्कान से एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, और एक अच्छी मुस्कान के लिए अच्छे दांतों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, सही नहीं है, थोड़े से बाहर है, तो आपकी मुस्कान अच्छी नहीं होगी, और साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट की वजह से आपके कॉन्फिडेंस में भी फर्क पड़ेगा। हमारी मुस्कान का, हमारे कॉन्फिडेंस का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं कि बादलों ने अगवा कर लिया है सूरज को, कि बादलों ने अगवा कर लिया है सूरज को और फिरौती में आपकी मुस्कान मांग रहे हैं। जब दांत आड़े टेढ़े होते हैं, तब उस पर्सन को चार लोगों के सामने बात करने में बड़ी कठिनाई सी महसूस होती है। वो अच्छे से बात नहीं कर पाता, वो अच्छे से मुस्कुरा नहीं पाता, वो खुल के हंस नहीं पाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। स्पेशली लड़कियों में अगर दांत आड़े टेढ़े हैं ना, दांत बाहर है ना, तो वो ठीक से ना हंस नहीं पाते हैं। कोई चार अजनबी लोग हैं, कोई चार पर्सन है, किसी शादी में गए हैं, बात करनी है, तो वो हिचकिचाते हैं, वो अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादा शर्मीले होते हैं क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और बात करें लड़का लड़की दोनों की, तो शादी के वक्त में बड़ी दिक्कत होती है अगर दांत बाहर की ओर है, आड़े टेढ़े हैं, तब शादी जुड़ने में दिक्कत होती है। इंटरव्यू को क्रॉस करने में, पास करने में दिक्कत होती है क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इसीलिए मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर कम एज में ही आपको ऐसा लगता है कि आपके दांत बाहर है या फिर आड़े टेढ़े, तो बचपन में ही आप ट्रीटमेंट करा लें, कम उम्र में ही ट्रीटमेंट करा लें, क्योंकि कम उम्र में ये ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। जब आप ट्रीटमेंट करने जाते हैं एक एज के बाद में, जब आपकी शादी जुड़ रही होती है या फिर आपको इंटरव्यू देने जाना है या फिर कुछ आपको ऐसा सोशल काम करना है, उस वक्त में जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो डेंटिस्ट उसको ठीक से उतने अच्छे से कर नहीं पाता क्योंकि आपके पास समय कम है। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में समय ज़्यादा लगता है, और अगर आपके पास में समय नहीं है तो आप ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एज जब थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तब वक्त ज़्यादा लगता है, और वक्त ज़्यादा लगने की वजह से आप वो ठीक से कर नहीं पाते हैं। इसीलिए कम एज में, कम उम्र में आप वो जो ट्रीटमेंट है वो करा लीजिए। अगर आपके भाई बहन हैं, आपके कोई पड़ोसी है, कम उम्र है, आपको पता लग रहा है कि दांत सही नहीं लग रहे हैं, बाहर की ओर लग रहे हैं, मुस्कान खराब है, तो कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। इसीलिए बचपन में ही वो ट्रीटमेंट करा लीजिए और फिर देखिए। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं कि जब वो आए थे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, बात करने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका बहुत अलग था, लेकिन जैसे जैसे उनका ट्रीटमेंट होता गया, वैसे वैसे उनकी कॉन्फिडेंस में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, बात करने के तरीके, स्माइल करने के तरीके में बहुत 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 फर्क दिखता गया। ये मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ये चीजें होती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। आप जैसा मानते हैं वैसा हो जाते हैं। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप गोरे हैं, आप काले, आप ठीने हैं, आप मोटे हैं, पतले, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से है। अगर आप मानते हैं कि आप खूबसूरत है, लेकिन ये मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सबके लिए। अगर आपके दांत बाहर है, आपके दांत आड़े टेढ़े,
तो ये मानना कि नहीं मैं खूबसूरत हूँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहां पर आता है ब्रेसेस का ट्रीटमेंट। अगर वो करते हैं, आपके दांत सही है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, सही हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। ये सीधा सीधा रिलेशन है आपके दिमाग के साथ में। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक ये था कि दांत कब निकलवाते हैं, कौन से दांत निकलवाते हैं और क्यों निकलवाते हैं ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। जब केस नंबर वन से हम शुरू करते हैं, मैं आपको तीन अलग अलग प्रकार के केसेस समझाऊंगा। केस नंबर वन, अगर आपको लगता है कि जब आप बात करते हैं, हंसते हैं तो दांत आपके ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, स्पेशली जब आप सेल्फी ले रहे हैं तब आपको ज्यादा समझ में आता है कि आपके दांत बाहर की तरफ ज्यादा दिखते हैं, जरूरत से ज्यादा ही बाहर दिखते हैं, अगर ऐसा है तो समझ लीजिएगा कि आपको चार दांत निकलवाने की जरूरत पड़ेगी। अगर स्पेसिंग है दांतों में तो दांत नहीं निकलवाना पड़ता है। दांत बाहर है, स्पेसिंग है, जगह है तो दांत नहीं निकलवाना पड़ेगा। लेकिन अगर दांत बाहर की तरफ है, आप हंसते हैं, बात करते हैं तो सामने वाला आपके दांत की तरफ ज्यादा दिखता है, रेदर देन आपके आप बात कर रहे हैं उसके तरफ, तब समझ लीजिएगा कि आपको चार दांत निकलवाने पड़ेंगे, ऊपर के दो, नीचे के दो। अगर आप हंसते हैं, केस नंबर टू, अगर आप हंसते हैं, बात करते हैं तो आपके ऊपर के दांत ही ज्यादा शो होते हैं रेदर देन नीचे के, नीचे के उतने दांत नहीं दिखाई देते हैं, तो तब आपके ऊपर के जो दांत है उसमें दो दांत आपको निकालने पड़ेंगे। केस नंबर थ्री, अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, ऊपर के भी दांत आड़े टेढ़े हैं और नीचे के भी दांत आड़े टेढ़े हैं और जगह नहीं है उनको ठीक करने के लिए, उनको अरेंज करने के लिए, तब ऊपर के भी दांत निकाले जाएंगे, नीचे के भी दांत निकाले जाएंगे, ऊपर के दो, नीचे के दो। अब बात करते हैं कि भाई क्यों निकाले जाएंगे, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि ऊपर के भी निकाल रहे हैं, नीचे के भी निकाल रहे हैं। देखें, जब आप दांत आपके बाहर की तरफ है और उन्हें अंदर की तरफ लेना है तब हमें चाहिए जगह, ऊपर में भी जगह चाहिए, नीचे में भी जगह चाहिए। तो जगह कहां से आएगी, जगह आएगी आपके दांत निकालने के बाद में, ऊपर के दो दांत, नीचे के दो दांत, और वो दो जगह जो जगह बन गई है वो खत्म हो जाती है जब हम ऊपर के दांत पीछे ले लेते हैं। आपके ऊपर के दांत पीछे चले जाते हैं और जगह भर जाती है और पता भी नहीं चलता कि वो दांत निकाले गए हैं। सिंपल, इसलिए वो दांत निकाले जाते हैं। आड़े टेढ़े दांत है उनको सीधा करना है, चाहिए जगह, जगह नहीं है इसलिए दांत निकाले जाते हैं, ऊपर के दो, नीचे के दो, जहां हमें जगह चाहिए वहां हमें दांत निकालने पड़ते हैं। सिंपल लॉजिक, एक सेंटेंस में उत्तर, जहां हमें जगह चाहिए वहां हमें दांत निकालने पड़ते हैं। अगर जगह पहले से ही है तो हमें दांत निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल लॉजिक। अब दांत कौन सा निकाला जाता है, ऊपर से चौथे नंबर का दांत, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, उसको कहते हैं प्रीमोलार, फर्स्ट प्रीमोलार। वो दांत इसलिए निकाला जाता है क्योंकि जब हंसते हैं तब वो दांत ठीक से दिखाई नहीं देता, उतना दिखाई नहीं देता, फ्लैश नहीं होता। और जब आप खाना खाते हैं तो वो साइड से आप जब चीविंग करते हैं तब वो उतना कॉन्ट्रीब्यूट भी नहीं करता। और तीसरा, जो प्रीमोलार होते हैं वो दो होते हैं, यहां दो, यहां दो, यहां दो, यहां दो, जिस वजह से उसमें से एक अगर चला भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दो दो होते हैं उसमें जो पहला होता है वो फर्स्ट प्रीमोलार होता है और जो दूसरा होता है वो सेकंड प्रीमोलार होता है, उसमें से एक प्रीमोलार चले भी जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और दांत निकालने के बाद में जब दांत पीछे ले लेते हैं या फिर आड़े टेढ़े सीधे कर लेते हैं तब वो जगह भर जाती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो दांत निकल जाता है तो। लोगों में ऐसा मिथ है, ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है कि जब दांत निकाल दिए जाते हैं तब आपकी आंखें कमजोर हो जाती है और आपके कानों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। इसके ऊपर में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं अगला, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।